इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू डिक्शनरी एप्लीकेशन के अंदर हम ऑटो स्टार्ट की जो सेटिंग्स है उसको कैसे बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर से, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना है हमें। और ऐप्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर परमिशंस दिखाई देगी, तो परमिशंस को भी खोल लेना है। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा ऑटो स्टार्ट, तो ऑटो स्टार्ट को भी आपको खोल लेना है। और यहाँ पर हम रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो ये प्रोसेस आप इजीली कर पाएंगे। तो थोड़ी सी नीचे जाना है और यहाँ पर आपको यू डिक्शनरी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी ऑटो स्टार्ट पर से, और जैसे इसको चालू करेंगे तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगी। और इसको क्लिक करके खोलते हैं तो यहाँ पर आपको और भी परमिशंस मिल जाती हैं अलाउ ऑटो स्टार्ट ऑटोमेटिकली की। तो ये प्रोसेस होता है इसको बंद चालू करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।